ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ कुल के महान आत्माएं हैं। भगवान के बच्चे ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो संसार में भला और कौन खुशी में झूमेगा, जिन्हें स्वयं भगवान मिलते हो, जिन्हें ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ खजाना मिल गया हो, जिनके लिए स्वयं भाग्य विधाता श्रेष्ठ भाग्य लेकर आ गया हो, उन्हें तो सदा खुशी में डांस करते रहना चाहिए। लेकिन मन के व्यर्थ संकल्प, मन का भारीपन इस खुशी और आनंद के अनुभव से दूर रखता है। तो एक बात तो है स्वयं को उलझनों से मुक्त रखना, उसमें तो बहुत ज्ञान की शक्ति चाहिए। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी दिनचर्या में रोज सवेरे 4 से 8 बजे के समय को इतना सुंदर व्यतीत करें, भिन्न भिन्न अभ्यासों में इसको गुजारें, सवेरे सवेरे मन आनंद से भरपूर हो जाए, खुशी में मन डांस करने लगे। ऐसी स्थिति यदि हम बनाते हैं तो सारा दिन मन स्वतः ही उलझनों से मुक्त रहेगा, व्यर्थ से मुक्त रहेगा, श्रेष्ठ विचारों में रहेगा, ईश्वरीय नशे में रहेगा। तो आज जरा इस ईश्वरीय नशे को जागृत रखें। स्वयं भगवान आया है हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए। अपनी राजाई को सामने देखें, हम जाकर वहाँ राज करेंगे, सोने के महल बनाएंगे, हीरो की चमक से हमारे महल रात को भी बहुत बहुत चमकते होंगे, अथाह धन संपदा हमारे पास होगी। ये खाने कमाने की चिंता, बच्चों की पालना की चिंता, जिम्मेदारियों का बोझ, सभी से हम लंबे काल के लिए मुक्त हो जाएंगे। अपने को अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों की याद दिलाया करें, खुशी के संकल्प अपने मन में क्रिएट किया करें। बहुत खुशी की सौगात, खुशी का खजाना हमारे पास है, हम उसे अलमारी में बंद करके ना रख दें, उसे खोलें और देखें कि हम जैसा खुश नसीब तो संसार में कोई भी नहीं है। सवेरे सवेरे जिन्हें ज्ञान अमृत पान करने का श्रेष्ठ भाग्य मिलता है, जिनकी पालना स्वयं वरदाता करते हैं, जिनकी जीवन नैया का खिवैया वो सर्वशक्तिमान परम सदगुरु स्वयं बन गया है। बहुत हल्के भी हो जाएं, अपनी जीवन नैया अपने प्राणेश्वर के हाथों में देकर हल्के हो जाएं। संकल्प करें, बाबा मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में, हमारा परिवार तुम्हारे हाथों में, हमारी ये जिम्मेदारी ये काम धंधे सब तुम्हारे हाथों में, उसके हाथों में बागडोर सौंप दें, उसको अपने कार्यों का पार्टनर बना लें, तो मन सदा हल्का रहने लगेगा। अपने मन को हल्का रखना ये भी महीन बुद्धि की पहचान है, डिवाइन इंटेलेक्ट का ये लक्षण है। हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ ज्ञान से भरकर, पवित्रता के बल से भरकर, सूक्ष्म ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हुए इसे सूक्ष्म और डिवाइन बनाते चलें, और बहुत हल्के रहते हुए डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप की स्थिति की ओर कदम आगे बढ़ाएं। भारी होना जीवन की यात्रा को कष्टमय बना देता है, जिनके बोझ स्वयं भगवान हर रहा है। अपने को रोज याद दिलाना है, बाबा सामने खड़ा होकर कह रहा है, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे दे दो।
हल्के हो जाओ। रोज बाबा के सामने पहुंचे और बाबा की ये आवाज सुने तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अपनी प्राप्तियों को जरा याद करेंगे 4-5 बार, और मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, हर घंटे में ये दोनों बातें एक बार अवश्य याद करेंगे, अभ्यास में लाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।